morning, all of you. Today we will discuss area of circle, sector and segment of the circle. Exercise 12.3 from NCERT book. First question is find the area of shaded region of the circle. A. QOR is a diameter of the circle. And PQ, your PQ length is 24 cm and PR, this length is given 7 cm. Then find the area of shaded region. आप देख रहे हो सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर. तो हाफ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2. यहां पर आपका रेडियस नहीं दिया हुआ है और रेडियस की यू ओ आर रेडियस क्या है, डायमीटर है उसका, हाफ करेंगे तो रेडियस फाइंड होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लेंथ ऑफ यू आर. QR length find करने के दो लेंथ दिया हुआ है, PR 7 cm and PQ is equal to 24 cm. We know that angle in a semi circle is 90 degree. आप क्लास 9th में सर्कल चैप्टर में थ्योरम पढ़े हो, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, खुद आपको लगा रहा हूं. एंड दिस एंगल इज 90 degree. So, our position is angle in a semicircle is 90 degree. So, angle RPQ is equal to 90 degree by Pythagoras theorem. We know that अब ये 90 है, ये hypotenuse पर plus a square of hypotenuse is equal to sum of a square of other two sides. Hypotenuse is QR and QR is equal to root under sum of the square of other two sides and is PQ square plus PR square. PQ is given 24 cos square plus 7 cos square root under 24 cos square 576 plus 49 and 625 plus square root 25 and the diameter of this circle is 25 cm and d is equal to 25 cm. So r is equal to 25/2 cm. अब रेडियस इसका फाइंड कर लिए. अगर रेडियस फाइंड कर लिए, दिस साइड इज 7 और दिस साइड 24. एरिया ऑफ सेमी सर्किल फाइंड कर लो और माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल. एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. सेमी सर्किल में हाफ सर्किल में ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे. हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ
बेस बेस आप मान लो पी आर और इनटू हाइट पी की, यानी आपको यहां पर तीनों साइड का यूज आ गया, हाइपोटेनस का भी सर्किल एरिया में आप सर्किल का, और जो अदर टू साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल में फाइंड कर रहे हैं। अगर हाफ सर्किल में ऊपर डायग्राम को देख लो, ये अगर हाफ सर्किल का एरिया फाइंड कर रहे हैं और इसमें ट्रायंगल का माइनस कर दो बच जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए मेरा आंसर मेरे पास बहुत आ रहा है, बहुत स्टूडेंट बनाकर दिखा भी रहा है, गुड। एक आंसर आया है जिसका 161.54 आया, बहुत का आंसर आ चुका है, अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए हम बोर्ड पर भी क्लियर कर देते हैं। तो एरिया हाफ पाई बाय रूट 2 बाय 7 रेडियस, तो डायमीटर ऑफ दिस सर्किल इज 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस 25 बाय 2 क्या कर दिए, 25 बाय 2 में हाफ माइनस हाफ बेस 7 और हाई 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नहीं तो इसमें हाफ आप कॉमन भी ले सकते, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते थे क्योंकि दोनों में हाफ है। 11 × 25 25 बाय 4 ठीक है, और यहां बच गया माइनस एलसीएम आप ले करके अगर सॉल्व करते हैं, आप पाई का वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए 22/7 रेडियस 25/2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 इधर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस आपका 7 है और हाइट 24 है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका थोड़ा ऐसा इसमें कैलकुलेशन आएगा और इस कैलकुलेशन को आपको खुद मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा करने का कोशिश करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, अब देखोगे डायग्राम बना हुआ है किताब एनसीईआरटी का और एक कंसेंट्रिक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल है जिसका सेंटर सेम हो, ये सेंटर है जिसका सेंटर वो दे दिए और एक रेडियस ए बी और यहां पर दिया हुआ सी बी, इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, क्वेश्चन इज फाइंड शेडेड रीजन एक रेडियस ऑफ द
two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm. Angle AOC 40°. आपका AOC this angle is 40°. यहाँ पर एक भी 40° दिया हुआ है। दो रेडियस अस्कोलर सर्किल का रेडियस आपका 7 cm और रेडियस ऑफ बिगर सर्किल अरे दिस इज 14 cm। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ बिगर सर्किल का आंसर अभी भेज चुका अंकित कुमार। ओके एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी एक्स बना दो। यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी एक्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ डी वाई बी ओ डी वाई बस वो 36√3 + 660 को भेजा है आंसर। चलिए देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। ठीक है मेरा आंसर क्या आता है ये भी आप टेली कर लेना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का नाम दे दो और क्लियर रहेगा। फर्स्ट नाम ए ओ सी एक्स यहां दे दिया ए ओ सी एक्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी आई हम नाम दे दिए वाई। तो बी ओ डी वाई बी ओ डी वाई ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा वाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा वाई 360 पाई क्योंकि बिगर सेक्टर है जिसका रेडियस का सेक्टर आर स्क्वायर होती है माइनस थीटा वाई 360 और इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे स्मॉलर सेक्टर का रेडियस स्मॉल आर मान लिए। यहां पर थीटा इज गिवन 40°। 40 बाय 360 और पाई पाई का कुछ लिखा है नहीं तो आप ले लो 22/7 और इसको कॉमन ले लीजिए। थीटा बाय 360 और पाई को कॉमन ले लीजिए तो बस गया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर इज 40 और स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 और 40 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर यही आपका एरिया है। इसको आप कैलकुलेट कर दो और आंसर तुम लोग भेज ही रहे हो। चलिए चलिए हम भी सॉल्व करते हैं। यहां से 9 और 22 डिवाइडेड बाय 9 इनटू 7 इनटू अब देखो इसको हम अब कैलकुलेशन सीखो जितना आसान हो। अब 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्रोडक्ट करके माइनस कर सकते हैं और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। तो ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी अगर ए प्लस बी करते हो तो 21 और ए माइनस बी करते हो 14 माइनस 7 7 डायरेक्टली लिखिए 7 और 7 कैंसिल 3 से 3 और 3 से 7 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके बुक में यहीं पर छोड़ दिया है 154.154 बाय 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी निकाल सकते हो, जैसे बहुत का आंसर दशमलव में आया था 51.1, कुछ आप निकाल सकते हो, है ना। 51.33 देखो लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका भी करेक्ट है। तो ये समझ में सबको आ गया, देखो गुड। आदित्य अनुराग टेन जी का देखो आंसर भेजा है, और अंकित कुमार भेजा है आंसर, बहुत स्टूडेंट भेजा है इसको बना करके, नवनीत टेन ए का भेजा है, ओके। तो अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि आपका इस एक्सरसाइज से जो डायग्राम बेस्ड है, आपका जिसमें एक्सरसाइज में डायग्राम इस एक्सरसाइज में बना हुआ है जिस भी क्वेश्चन में, तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको हेल्प भी हो रहा है, डायग्राम बना दिया है। और उस टाइप का क्वेश्चन एक देता है बोर्ड में, जैसे जो जो हम बता रहे हैं आया हुआ भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 एक सर्किल बना हुआ है और इसमें एक ट्रायंगल बना दिया, कैसा ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल। देखो आपका डायग्राम बुक में बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.3 का, और इसको सबको देखकर सेंड किया हुआ है, और एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेंटर डिवीजन, और ये सेंटर डिवीजन का एरिया फाइंड करना है, सेंटर ओ दे दिया, और यहां पर नाम ए और बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर और इसका साइड रेडियस आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेंटर डिवीजन वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर has been drawn with vertices O of an equilateral triangle OAB of the side 12 cm. After A या OAB is an equilateral triangle side 12 cm. And radius of circle is 6 cm. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region ka area find karna hai. Find the area of शेडेड रीजन। आपका जो रेडियस दिया हुआ है सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर से क्या रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी फाइंड हो गया, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ये पार्ट जो है वो बन रहा है दो बार में, एक जो सेक्टर बन रहा है ए बी ओ सी डी एक्स डी, एक सेक्टर जो बना ये टू टाइम्स आ गया है। आंसर नवनीत भेज चुका है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार माइनस कर देंगे, तो ये सर्किल में भी आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे वन टाइम्स। तो सेक्टर में एंगल क्या है, तो वी नोट है एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, समझो यहां तुम्हारे एंगल में ही भी दिया है तो आप 60 मान सकते हो, कारण आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और रेडियस मालूम है।
The area of shaded region is equal to area of circle plus area of the paper triangle, area of circle plus area of equilateral triangle minus area of a sector. इस sector का नाम दे दो A C X D. अब area of circle pi r square, हम इसको small r मानते हैं, pi r square plus root 3 by 4 into side का square minus area of sector theta by 360 into pi r square. ये तो सेम रहेगा दोनों का. theta का वैल्यू 40 डिग्री, pi r square पहले इसको लिख लो 40 by 60 pi r square minus, या इसको माइनस किया प्लस रूट थ्री बाय फोर इंटू साइन का स्क्वायर, साइन इज 12 इंटू 12. अब देखिए ये मान लो 1 पाई आर स्क्वायर है और माइनस 2 बाय 3 पाई आर स्क्वायर, तो 1 में 2 बाय 3 माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 यानी 1 बाय 3, यानी इस दोनों से डायरेक्ट by 3 pi r square plus 2 से 6, 2 से 6, अभी 36 root 3. क्या गया? 36 root. यहाँ पर pi का value 22 by 7, या कुछ लिखा है? नहीं लिखा है तो आप 22 by 7 लिखिए. और radius of this circle is 6 centimeter. And 6 into 6. कितना आ गया? 264 by 12, 24. तो इसको जो माइनस किए तो 5 by 6 होगा ना? अच्छा, तो 1 पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का रेडियस के सर्किल लिए और माइनस एंगल था 60, जो अंदर से दिखा गया क्या 40, तो यहां पर 60 दोगे बाय 360 6, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 बाय 6, 6 माइनस 1 5 बाय 6, यहां क्या हो जाएगा 5 बाय 6, एक 6 और 6 कैंसिल. इनटू 6 एंड 660 बाय 7 माइनस 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. 660 बाय 7 प्लस 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपका एनसीईआरटी बुक में यहीं पर आंसर इसका छोड़ दिया है, आप इसको कैलकुलेट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो. ओके, इसको कैलकुलेट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म आप बना सकते हो इसको. इसमें देखो अभी अंकित भेजा है इसका आंसर, ये क्या लिखे हो अंकित? सर सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन सर्किल से आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर्किल तो पोर्शन है, इसमें कोई भेजा है 10A का रोल 35,
सर्किल तो आपको पढ़ना है, और एक सर्किल तो एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर है, और एक सर्किल चैप्टर भी है ज्योमेट्री का, उससे भी आएगा, उसमें भी पूरा पढ़ना है।